नमस्कार सभी को। आज हम ब्रांच अकाउंट में फर्स्ट मेथड डेटर्स अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मेथड देखेंगे। इसमें ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, मेसर सनिक ब्रदर्स सेंड्स गुड्स टू ब्रांचेस एट कोस्ट। प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इस तरह से, डेटर्स ऑन 31st December 2015, 2000 गुड्स सेंड टू ब्रांच 7000, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 800, गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर्स टू ब्रांच 150, कैश सेल्स 4300, क्रेडिट सेल्स 6000, कैश रेमिटेड टू एच ओ 11300, अलाउंसेस टू कस्टमर्स 40 rupees, स्टॉक ऑन 1st जनवरी 2015 2000, स्टॉक ऑन 31st December 2015 1600। देखिए इससे हमें ये लग रहा है, पता लगा कि जो अकाउंट्स है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक के बनाए जाने हैं। ब्रांच अकाउंट जो बनेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं, और डेटर्स जैसे हमने ऊपर देखे थे, डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए हुए हैं। और ओपनिंग डेटर्स निकालने के लिए हमें आगे एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो भी अमाउंट आएगा डेबिट साइड में, उसको ओपनिंग ब्रांच डेटर्स के रूप में काम में लेना होगा। अब आगे इन्फॉर्मेशन है, बैड डेट 70 rupees, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने जो पेमेंट किया है रेंट इंश्योरेंस सैलरीज एंड वेजेस का 1300 1800 2800। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो रहेगा, ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम लेंगे डेटर्स ऑन 31st December 2015। तो ये यहाँ पर ब्रांच अकाउंट जो बनेगा इसमें ओपनिंग ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स लेंगे। ब्रांच डेटर्स हैं कुल मिलाकर 2000। अब ये इसमें ओपनिंग ब्रांच डेटर्स नहीं दिए हुए हैं, क्लोजिंग ब्रांच डेटर्स दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2015 के। यहाँ आप देखें स्टॉक जो है 1 जनवरी 2015 का दिया हुआ है, इसमें 2015 कैलेंडर ईयर का हमें ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। 2015 का कैलेंडर करना, तो यहाँ पे हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार करना पड़ेगा ताकि उससे हम पता लगा सकें कि ओपनिंग डेटर्स कितने हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी हमें दिया होगा 2000, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। इसके अलावा जो डेटर्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो सब हम लेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, तो बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। वन फिफ्टी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है अलाउंसेस टू कस्टमर्स, अलाउंसेस हैं 40 rupees, बैड डेट्स हैं 70 rupees, बैड डेट 70 rupees हैं। इसके बाद जो कैश रिसीव हुआ है इनसे, हमें इनको जो उधार माल बेचा है और जो कैश रिसीव हुआ
वो हमें यहाँ पर करना है। जो ट्रेड सेल्स है, तो ये सेल्स बेसिक पोर्शन होता है, तो यहाँ पर हमें देखना है सेल्स। कुल मिलाकर जो रेमिटेंस किए हैं एचओ को, जो डेटर्स अकाउंट होता है उसमें, क्योंकि आश्रित ब्रांचें होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, इनमें इन्हें अधिकार नहीं होता है कोई भी खर्चा करने का। जो सेल्स होती है, सेल्स से जो कलेक्ट होते हैं पैसे या डेटर्स से कलेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब जो रेमिट किया है पैसा हेड ऑफिस को, वो किया है इन्होंने 11,300। उसमें से जो कैश सेल्स, जो कैश रिसीव हुआ है वो 4,300 है। तो ये बाकी कैश रिसीव्ड फ्रॉम, इससे रहेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 11,300 माइनस 4,300, 7,000 कुल मिलाकर ऐसा पैसा है जो कैश रिसीव हुआ है डेटर से। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश रिसीव, कैश अकाउंट 7,000। और जो ट्रेड सेल्स है वो दी हुई है यहाँ पर, ट्रेड सेल्स दी हुई है जो कैश सेल्स उसके जस्ट नीचे 6,000, एग्जैक्ट 6,000 दी हुई है। तो आप देखिए हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी है, 7,000, 2,000, 70, 40, 150। अब क्रेडिट का टोटल लेकर इसके बेस पर हम निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसिंग फिगर यह है 9,000। माइनस 6,000 तो 3,260 ये ओपनिंग बैलेंस रहा डेटर्स का। तो ये हम यहाँ 3,260 यहाँ पर शो करेंगे। और ब्रांच स्टॉक जो ओपनिंग दिया हुआ है ऑलरेडी हमें मालूम है ये 2,000 रुपीज़ है। इसके बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे वो हमारे पास है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच है 7,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद हम लेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 800। तो ये जो गुड्स वापस की है ब्रांच में वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही रहेगा इसमें। ये है 800, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर वो ऑलरेडी ब्रांच डेटर्स में आ चुका है। कैश सेल्स को यहाँ ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में केवल हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जो ट्रांजेक्शन था उसको शो करते हैं। तो कैश सेल्स यहाँ आएगी नहीं, क्रेडिट सेल्स हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। जो रेमिटेंस है कैश रेमिटेड टू एचओ वो जरूर यहाँ पर दिखाएंगे। तो कैश जो भेजा गया है हेड ऑफिस को बाय कैश अकाउंट, जो हमें रेमिट किया है वो 11,300 है, वो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में शो करेंगे। उसका अलाउंसेस टू कस्टमर्स आ चुका है ब्रांच डेटर्स में, स्टॉक ऑन 1 जनवरी पहले ले चुके हैं, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ब्रांच स्टॉक जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आएगा, ये है 1,600 और बाई ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,000 था, तो ये भी हमने ले लिया। इसके अलावा बिजनेस से ले चुके हैं रेंट, ये एक्सपेंसेस दिए हुए 3 एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इनको टू कैश।
रेंट इंश्योरेंस और सैलरी नेविगेंस। तो रेंट है जो एक्चुअल पेमेंट किया है 1300 है, इसको इनर कॉलम में जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं दिखा रहा हूँ मेन कॉलम में 1300 1800 और 2800। कंबाइंड इनको जब इनर कॉलम में दिखाते थे यहाँ आता 4500 5600 5900 5900। तो ये कुल मिलाकर हमारे डेबिट साइड का है। क्रेडिट साइड में हम 800 ले चुके हैं, 1100 ले चुके हैं, 1600 2000 ले चुके हैं। अब हमारे हम देखें कि कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई थी इंश्योरेंस और रेंट के बारे में। रेंट था जो पेमेंट किया गया है 1300 कब से कब तक का, 1 जनवरी 2015 से जनवरी 31st 2016, यानी 13 महीने का पेमेंट किया है। तो जो प्रीपेड रहा है इसमें अगले साल का भी एडवांस पेमेंट किया है 1 महीने का, तो प्रीपेड रेंट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। प्रीपेड रेंट अगले साल ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो किया जाएगा, ये 100 रुपीज़। और ये दूसरा है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस टोटल इंश्योरेंस पेमेंट किया है 1800 और ये किया हमने 15 महीने का 1800 रुपये। तो 1 महीने का 125 रुपये होता है। तो जो नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का जो पेमेंट किया गया है वो कुल मिला के 120 रुपये होता है। तो 3 महीने का 360 रुपये प्रीपेड रहेगा यहाँ पर। तो प्रीपेड जो इंश्योरेंस था वो यहाँ पर शो करेंगे। अब दोनों तरफ का हम टोटल लगाएं तो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ इसको। टोटल डेबिट का रहा 18160 और क्रेडिट का 16160 ही आ रहा है, इसका मतलब लॉस है। तो ये लॉस रहेगा बाई P&L अकाउंट। ये लॉस जो है जनरल P&L अकाउंट जो रहेगा हेड ऑफिस का उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये यहाँ पर लॉस है 2000। टोटल 18160। ये हमारा एक कैलकुलेशन होगा और इसे हम जैसे डेटर्स अकाउंट का हमने देखा है चर्चा भी हुई थी, थ्योरेटिकल जो पोर्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग ब्रांच अकाउंट बनेगा। ब्रांच के जो हेड ऑफिस से ट्रांजेक्शन्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाए जाएंगे, जो भी असेट्स उसके पास है, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है या फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, वो सारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो किए जाएंगे। गुड्स जो हेड ऑफिस से रिसीव होता है वो डेबिट साइड में और जो रिटर्न किया जाता है वो क्रेडिट साइड में, और जो कैश रेमिट किया जाता है हेड ऑफिस को वो क्रेडिट साइड में आएगा। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो डेबिट साइड में, और जो जो भी प्रीपेड वगैरह बचते हैं एक्सपेंसेस प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होते हैं आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में शो करेंगे, और जो प्रीपेड है वो क्रेडिट साइड में एज असेट्स के रूप में शो करेंगे। लाइबिलिटी है तो इस तरफ शो करेंगे, यदि ओपनिंग या क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में, ओपनिंग लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में शो होगी और क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो इस तरफ शो होगी डेबिट साइड में। तो ये हमने क्वेश्चन देखा है, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। धन्यवाद।